मार लेना मार लेना थप्पड़ जब कौन सा रिक्शा वाला रुको आता बुला लो उसको बुलाओ ना क्या उससे पूछवाऊंगा ना क्या अरे प्रूफ आ गया अरे राम दो मैडम जी राम दो देख लो लेंगे हॉस्पिटल जाना मैंने पैसे लेगी का क्या मतलब था मॉल के अंदर से इसलिए ऐसी बात ये चप्पल तो आपने दिखाई है हाँ जी इन्होंने दिखाई है हुआ क्या मैडम हुआ क्या मैं इधर से यूँ घूम के मैं उधर जा रही हूँ ठीक है ये मेरे तो यहाँ खड़े है ना यूँ चप्पल दिखा रहा है पहले देख ले कमेंट पास कर रहे आपके ऊपर पहले मैंने उससे पूछा मैं चलेगा भाई कमेंट पास कर रहे अरे अभी मेरे तो मैडम किधर किसने बोली ये लड़का बोल रहा है मैडम दिन मतारे दिखाऊंगा देखते रहे लाइफ क्या कर दूंगा ये लड़के ने बोली तब ये तीनों की चोट है सर ये तीनों की चोट है ये तीनों ठीक है आपने इनको कमेंट किया था नहीं बात तो सुन भाई सर कमेंट किया था पहले ये तो यही खड़ा था ना खड़ा था जी यही खड़े पड़ते ना बेर है ना तीनों ने बेरा तब क्या करे इन्होंने बोला चप्पल लगा ये सब लग रहा कोई बात करके चप्पल किसी लड़की को इस तरह का चप्पल दिखाना और ये सब वो इधर से देखो जा रही है यहाँ से रिक्शा ठीक है वो देखो ना आप देखो कैसे बोल रही है यहाँ से रिक्शा में बैठ के जा रही है इनको कहा था दिन में तारे दिखाऊंगा दिन में इन्होंने मेरे को असमित्री को दे दूंगी उल्टा सीधा मेरे को बोलने लग रही है बोलो देखो पूछ लो सारे से पूछ लो जिसमें खड़े हैं क्यों गाड़ी दी है बोली नहीं मेरे को बात ये मैं तारा दिखाऊंगी नहीं गाली मत दो गाली मत दो इन्होंने मेरे को खुद बोली है बात इन्होंने बोली है जी अंदर यही है अरे नहीं मैनेजर ने बुलाया क्या करके आई अंदर का ये क्या बोल रहे मेरे तक आप मॉल से आए हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंदर से आई है मैं जहाँ मर्जी जाऊँ तू कौन है और रिक्शा में जा रही है नू पैर दिखा रही है जी यार वो लेडीज है कुछ भी करे आप लोग को इस तरह का कमेंट तो नहीं पास करना चाहिए नहीं नहीं जी वो तो बात ठीक है सर आपकी बात बिल्कुल मान गए कमेंट नहीं पास किया वो गलत बोल रही है आप झूठ बोल रहे हो मैडम इन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज बोली है जी बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज लाइट चलाओ बोलो जो मर्जी बोलो जो मर्जी लाइट चलाओ बोलो ना लैंग्वेज बोलो ना बोलना मैं तो बोलनी नहीं कोई बात मेरे मुंह से तो कोई गाड़ी भी नहीं निकली कौन सा किसने कुछ भी नहीं बोलना गाड़ी आपने दी थी गंदी लैंग्वेज बोली आपने बहुत ज्यादा गंदी कौन यहाँ सारे बंदे बोल कौन गंदा था तू गंदा बोल रहा था मैं क्या गलत बोल लूंगा बोलने बोलो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो नहीं वो मॉल में चलना ही चल रही है चलने देखो यार वो मॉल में जाए कुछ करे आप लोगों को कुछ कहने का मतलब नहीं नहीं भाजी तो तस्वीरें देख सकते हैं मतलब अभी सेक्टर 12 में एक हंगामा हो जाता है एक लड़की को देख के कमेंट पास किया जाता है कहीं ना कहीं देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से आपको क्या बोला इसने क्या बोला था हॉस्पिटल जाना पैसे लेगी ये बोल रहे इतने पैसे लेगी का क्या मतलब था कहाँ था ये अंदर था ये कितने पैसे लेगी मॉल के अंदर से आओ इसलिए ऐसी बात ये मेरे को बोलिए खड़े और ये मेरे को चप्पल दिखा रहा है चप्पल मार लेना थप्पड़ जब कौन सा रिक्शा वाला रुको आता बुला लो उसको बुलाओ ना क्या उससे पूछवाऊंगा ना अरे प्रूफ आ गया अरे राम दो मैडम जी राम दो देख लो लैंग्वेज देखो ना बोल लूंगी मैं तो और बोलो ना और बोलो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो जो मर्जी बोलते रहो जाओ ना यार आप लोग क्यों आप लोग हाँ रहने दो बकवास कर रहे मैडम कोई बात नहीं छोड़ो रिक्शा रोक रहे तो अंकल वहीं खड़े हैं चलो भाई बोलिया बोला इसने बोला हाँ ये पीले की शर्ट वाले तो मेरे तो बोलेगा मैं बोला तो निकल पाई हूँ मैं बोली अंकल रोक के दो मिनट मैं कहीं मैं पूछ ही हूँ अगर आज इसने बोल दिया तो आगे तो फिर यूँ कर देगा इसने काम नहीं अच्छा अरे अब चल रहा है ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से सेक्टर 12 में एक हंगामा हो जाता है महिला को बताया जा रहा है कि गलत कमेंट बताए गए कमेंट गलत बोले गए और उसके बाद फिर एक बार मॉल सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है हंगामा हुआ और उसके बाद जो लोग यहां पर खड़े थे उनके द्वारा कहा गया महिला को बच्चियां कर गई आगे इनसे पूछा कि भाई तूने कुछ काम कमेंट वगैरह किया तो ये सीधा बोलने लगी कि ऐसे ये इन्होंने पहले गलत बात लड़कों ने करी थी गलत नहीं, नहीं, पहले मैडम ने बोली थी अच्छा महिला ने गलत करी थी मैडम ने बोली थी उनको ये मॉल से निकली थी मॉल से सर ये तो पता नहीं उस रोड से जा रही थी एकदम रिक्शा रुकवाई बीच रोड पे और वहां से एकदम यहां पर आई शायद इन्होंने चप्पल दिखाई नहीं दिखाई वो मुझे पता नहीं लेकिन
पहले गाली इन्होंने दी थी, पहले लेडीज ने दी थी, पहले लेडीज ने दी थी, उसके बाद उसने बोला कि दिन में तारे दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद बोला था, पहले लेडीज ने बोला था जी।